तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक चार्जर को रिपेयर करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं 12 वोल्ट का चार्जर है जो कि 1 एम्पीयर का चार्जर है दोस्तों। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको आज हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हमारा जो कैपेसिटर है, तो पहले सबसे पहले ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर इसकी सप्लाई है दोस्तों, तो इसका फ्यूज जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप कोई भी चीज़ रिपेयर करें तो आपको सबसे पहले मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मल्टीमीटर को टच कर रहे हैं तो हम फ्यूज़ नहीं चेक कर रहे हैं दोस्तों। हम ये जो हमारा काला वाला है इससे फ्यूज जुड़ा हुआ है, वाइट वाले में उसमें, तो हमें दोनों कंडीशन में भी नहीं बताना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये नहीं बताना चाहिए। अगर ये बताता है आपका तो ये शॉर्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इसके कॉइल को भी चेक कर लेंगे जो कि हमारा जुड़ा हुआ है डायरेक्ट एसी सप्लाई से डीसी सप्लाई की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये जुड़ा हुआ है, तो हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो यह देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमें कैपेसिटर को निकाल कर चेक करना होगा। कई कई कंडीशन में क्या होता है, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाने की वजह से हमारे जो ये एवरेज रेक्टिफायर है वो शॉर्ट बताता है, तो इसको भी हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम निकाल लेंगे आसानी से। तो दोस्तों, इसको निकालने के लिए आपको नहीं बताना पड़ेगा, ये निकल जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पे देख सकते हैं हम कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर दिया है, अब हम कैपेसिटर को चेक करें। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये तो इस तरफ तो सही है और हमारा इस तरफ भी सही है। तो दोस्तों, हमारा कैपेसिटर सही है, तो इसको हम कर देंगे साइड में। अब हमें क्या करना होगा, क्या देख सकते हैं कि हमारा जो कैपेसिटर है ये 400 वोल्ट और 47 मिनट का है। तो हमारा कैपेसिटर सही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी वैल्यू नहीं घट रही है और ये दो चारों तरफ से बता रहा है, इसका मतलब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने ब्रिज रेक्टिफायर को डायोड को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हम सभी ब्रिज चार ब्रिज रेक्टिफायर होता है दोस्तों, चार इसमें डायोड लगा हुआ होता है। तो हम चारों डायोडों को चेक कर लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम चारों डायोडों को बदल देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि इसका ये वाला जो डायोड है, ये वाला डायोड सही है। तो ऐसे ही हम चारों डायोडों को चेक करके और इसको हम रिपेयर कर देंगे। तो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर आपका ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट है तो उसमें ध्यान दीजिए, उसमें दो ही डायोड शॉर्ट होगा जो कि न्यूट्रल बनाता है। तो वही दो डायोड जल्दी ख़राब होते हैं, तो मैं इस तरह तरीका बता रहा हूँ कि आप जल्दी से चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको भी हम लगा देंगे। तो हमारे पास एक और है डायोड दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डायोड हमारे पास और है, ये देखिए शॉर्ट बता रहा है और ये भी शॉर्ट बता रहा है। तो हमारा ये वाला डायोड ख़राब है और इससे जुड़े इसके बगल में जुड़ा हुआ वो वाला डायोड भी ख़राब ही होगा। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको बाहर निकाल लेता हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डायोड है। तो हम इसको घर में पड़ी चीज़ों से रिपेयर करने वाले हैं दोस्तों। तो हमने ऐसे ही आपको सभी डायोडों को चेक कर लेना होगा। अब हमारे पास ये देखिए दोस्तों, ये वाला डायोड है, तो इसको चलिए हम चेक कर देता हूँ। तो इसको चेक करने के लिए हमें ऐसे मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी पर सेट कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये हमारा डायोड शॉर्ट बता रहा है। हमारे पास अब दूसरा डायोड है, तो इसको भी हम चेक कर लेंगे। लगाने से पहले दोस्तों, कहीं घर में पड़ी किसी चीज़ से निकालें डायोड तो उसको चेक कर लें। ये वाला डायोड हमारा सही है, ये हमारा पावर सप्लाई का डायोड है। तो इसको हम इसमें लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो डायोड है इसके हम पिन को बढ़िया से सुधार के उसमें लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें हम इसको लगा देंगे आसानी से। तो इसको हम इसमें लगा देता हूँ और इसमें सोल्डिंग कर देंगे दोस्तों। आप सोल्डिंग करना ना भूलें, नहीं कई कई बार होता है कि एक में हम सोल्डिंग करते हैं दोबारे में सोल्डिंग कर ही नहीं पाते हैं। तो हमें सोल्डिंग अच्छे से कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मैं इसे चारों डायोडों को मैं इसे आसानी से लगा देंगे। और डायोड लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चारों डायोडों को चेक कर लीजिए और आपका कुछ भी ख़राब नहीं होगा। अगर मैं फिर भी बताऊँगा कि आपको कैसे चेक करना है, तो इसको भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि मैं इसके पिन को लगा देता हूँ। तो ये जो इस वाली डायोड की थी दोस्तों, ये घर में पड़ी सप्लाई की निकाली हुई थी। तो इसका जो पिन है, इसकी पिन छोट है, तो इसीलिए हम बाहर से एक रॉड लगा देता हूँ
ये पिन की इसी डायोड जो ख़राब वाला हमारा वो था डायोड था उसी की पिन हम इसमें लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इसको हम लगा देता हूँ। अब यह देख सकते हैं कि बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सप्लाई रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले कैपेसिटर को बाहर निकाल कैपेसिटर को चेक कर लीजिए और जहाँ से सप्लाई देते हैं उसको हमें चेक कर लेना होगा। तो दोस्तों हमने फ्यूज भी इसमें डाल दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा फ्यूज डालने के बाद अब नहीं बता रहा है एक भी पॉइंट, हल्का हल्का जाना चाहिए दोस्तों क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, तो हल्का हल्का जाना चाहिए क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर है और हमारे हाथ का भी अर्थिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हम इसके पिन को भी अच्छे से सुधार लेंगे। अगर आपके थोड़ी बहुत भी नॉलेज है दोस्तों तो आप समझ गए होंगे, तो इसको भी हम इसके कैपेसिटर को भी हम इसमें लगा देंगे। तो इसको कैपेसिटर को लगाने के बाद ये जो निगेटिव पॉजिटिव है तो ये पहले से ही मुड़ा था दोस्तों और उसमें लिखा भी हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसके कैपेसिटर को भी लगा देता हूँ। इसको कैपेसिटर के लगाने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे फिर भी, तो देखिए दोस्तों हल्का से जा रहा है और फिर नहीं जा रहा है। तो हमें ऐसे ही जाना चाहिए क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, इसीलिए ऐसी हालत हो रही है। तो चलिए अब इसमें सप्लाई देने की बारी आती है, तो इसको हम सप्लाई देंगे। तो हमारे पास दोस्तों वो कनेक्टर वायर नहीं है तो हम इसमें ऐसे वायर जोड़ देंगे बाहर से। तो यहाँ पर हम इसको वायर जोड़ देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इसको वायर को जोड़ दिया है। अब चलिए हम इसको डायरेक्ट लाइट में फंसा देता हूँ। तो दोस्तों इसके लाइट में हमने फंसा दिया है, चलिए मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो हमने पहले 10 वोल्ट में चेक किया था तो हमारी जो सप्लाई है 12 वोल्ट की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मल्टीमीटर है जो हमने 10 वोल्ट में सेट किया था वो देखिए फुल जा रहा है, मतलब हमारा 12 वोल्ट से ज़्यादा लाइट बन रही है। तो हम इसको 50 वोल्ट पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी 12 वोल्ट तक सप्लाई बन रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एकदम फिक्स 12 वोल्ट सप्लाई बन रही है। तो आई होप को दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अगर आपको भी कोई समस्या है दोस्तों तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।